दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु ऊर्जा विभाग में आई हुई नई वैकेंसी के बारे में, जहां पे दोस्तों 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 231 से ज़्यादा पोस्ट यहां पे आई हुई है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल जो है 274 वैकेंसीज हैं टोटल की बात किया जाए, जिसमें दोस्तों जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए और सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो है वैकेंसी आ रखी है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो है कैटेगराइजेशन किया गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज का, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि ये जो फॉर्म है ये कब से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों ये जो फॉर्म है आपका 29 अक्टूबर से जो है स्टार्ट हो रहा है, अभी जो है इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों इसका मैं वीडियो बना करूँगा कैसे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से फिलअप करना है, वो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। अभी जो है इसका हम सिलेबस और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, जैसा कि मैंने आपको बताया 29 तारीख से जो फॉर्म है एक्टिवेट होगा और 17 नवंबर तक ये एक्टिवेट रहेगा। यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन डेट भी दे रखा है जनवरी 2023 में जो है इसका एग्जामिनेशन डेट है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं पीएसटी और एएसओ के लिए जो है, जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, उसका दिसंबर में ही एग्ज़ाम हो जाएगा और बाकी का जनवरी और फरवरी में जो है एग्ज़ाम होगा 2023 में। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके लिए 200 रुपये का, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 रुपये का फॉर्म यहाँ पर रखा गया है। बाकी दोस्तों अगर आप एससी एसटी है, फीमेल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है या पीपीडब्ल्यूडी है तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं लगेगी। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से लेकर 28 साल के कैंडिडेट, 18 से लेकर 27 साल के लिए कैंडिडेट जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो ये डिपेंड करेगा आप कौन सी कैटेगरी के फिलअप कर रहे हो। और यहाँ पर जो है दोस्तों आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, अगर आप एससी एसटी हो तो 5 साल, ओबीसी हो तो 3 साल की छूट भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस से पहले दोस्तों मैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट के कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10वीं पास के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर्स के लिए मास्टर डिग्री जो है रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों इसका नोटिफिकेशन देखते हो तो ये इसका नोटिफिकेशन है, जहाँ पे दोस्तों ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आई हुई है। यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट वगैरह सब कुछ बताया गया है, यहाँ पे पेपर पैटर्न भी बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप बात किया जाए जैसे कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 35,400 का बेसिक पे यहाँ पे रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट में 38 है। यहाँ पे ग्रेजुएट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं 18 से लेकर 27 साल। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा दोस्तों उसमें जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए फिजिकल टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल टेस्ट में तो हाइट वगैरह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 167 मेल कैंडिडेट के लिए, और अगर आप यहाँ पे एस सी एस टी हैं तो 162, और यहाँ पे चेस्ट वगैरह दिया गया है। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग अगर बात किया जाए, जो इसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसके में अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कम्प्रीहेंशन जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसमें 25 मार्क्स से, रिपोर्ट राइटिंग 25 मार्क्स का, और यहाँ पर बेसिक मैथ, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस वगैरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये दो क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है सब्जेक्टिव होगा, ये जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों आपके मार्क्स के बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो गया असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए। अब यहाँ पे जो है अगर बात किया सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो 18,000 का यहाँ पे बेसिक पे है। यहाँ पे अगर आप देखा जाए दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज 274 सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। यहाँ पे 18 से लेकर 27 साल के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, 10वीं पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए कि यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हाइट मैटर करता है। तो हाइट आप देख सकते हैं 167 यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, जैसे यहाँ पे जो फिजिकल इवेंट होगा या फिजिकल टेस्ट होगा उसमें 100 मीटर रनिंग है 16 सेकेंड में, लॉन्ग जंप है आपका दोस्तों 3 चांस में 3.65 मीटर, यहाँ पर चिन अप, पुशअप और सिटअप जो है आपको रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिटन एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा इसमें भी जो आपका सेम पैटर्न है। पहले जो है कंप्रिहेंशन जिसमें आपको 25 मार्क्स के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, देन दोस्तों यहां पे जो बेसिक मैथमेटिक्स है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स रहेगा। तो यहां पे दोस्तों 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और जो रिटन टेस्ट होगा उसी के बेसिस जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो सिलेबस दोस्तों कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हो यहाँ पे लेवल
टू का डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन है। लेवल वन दोस्तों फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो लेवल टू में देखिए आपको पैराग्राफ हिंदी और इंग्लिश में देखिए सब सारी चीज़ जो है करना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों आपसे इंग्लिश लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जनरल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज ये सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहते हो तो। ये इंग्लिश रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह आपको सही करना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो है आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जितनी भी पोस्ट मैंने बताया आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 17 नवंबर 2022 रखी गई है और 29 अक्टूबर से ये फॉर्म एक्टिवेट होगा। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है बताऊंगा। ये इसका नोटिफिकेशन आया है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर पसंद आया दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।